जनाब कंटिन्यू करते हैं अपना मई जून का पेपर 2020 पेपर वन वेरिएंट वन क्वेश्चन में कह रहे हैं एक अदद हमारे पास सर्कल है और उसके जो डायमीटर हैं उसके एंड पॉइंट्स गिवन हैं। तो लेट्स से दिस इज द सर्कल और जनाब लेट्स से इसका ये सेंटर है ओ और ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो सर्किल की इक्वेशन के लिए हमें सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। तो ओ आएगा हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी से। तो इस तरह का सवाल मैं गालिबन पहले भी करवा चुका हूँ आपको। तो ए बी के मिड पॉइंट का मतलब है मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 3.1। जनाब ये तो हमारे पास आ गया सेंटर। उसके बाद हम रेडियस निकालेंगे ओ से ए तक का डिस्टेंस। ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला जनाब लगा दिया मैंने तो रेडियस बनेगा मेरे पास 5। तो इक्वेशन कैसे आती है जनाब? इक्वेशन आती है बेटा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर where a and b are the coordinates of the center. This will become x - 3² - y - 1² is equals to 5² और मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ x - 3² + y - 1² is equals to 25। जनाब ये तो आ गई हमारे पास सर्किल की इक्वेशन। हमसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टी टू द सर्किल सी एट पॉइंट बी। इसका मतलब है कि जनाब हमारे पास ये सर्किल है सर्किल इतना खूबसूरत बन रहा है ना मुझसे। जनाब लेट से हमारे पास ये पॉइंट था ए और बी पॉइंट पे हमने बना दिया टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि अगर हमें बी पॉइंट चाहिए वो तो हमारे पास है। तो बी पॉइंट कितना है हमारे पास? वो है 7.4। बेसिकली मुझे इक्वेशन निकालनी है बी टी की और बी टी की इक्वेशन निकलेगी y - y1 = m x - x1। तो अगर मुझे ग्रेडियंट पता चल जाए ए बी का तो वो किस फॉर्मूले से निकलेगा? y2 - y1 - -y1 / x2 - x1। तो ये आ गया जनाब 6/8 जो कि सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 3/4। जनाब यहाँ पर मैं पॉइंट यूज करूंगा 7.4 और ग्रेडियंट 3/4 नहीं बल्कि -4/3 यूज करूंगा क्योंकि टेंजेंट जो है वो डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है। तो जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जगह 3y - 12 जाएगा -4x + 28। अरेंज करेंगे 4x + 3y - 40 = 0।
नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सर्किल था पहले वाला, टेंजेंट गुजर रहा था बी से, तो इस सर्किल को रिफ्लेक्शन किया गया। जब रिफ्लेक्शन किया गया तो ये उठ के यहां से इसके राइट पे चला जाएगा, लेट से यहां। तो रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि साइज चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इस सर्किल का जो रेडियस है अगर 5 था तो इसका भी जो रेडियस है वो 5 के बराबर होगा। अगर इसका सेंटर O था, इसका सेंटर O डैश होगा, और ये जो बीच का पॉइंट है ये B होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि B जो है बेसिकली मिड पॉइंट होगा O और O डैश का। तो B के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है 7.4 है। O डैश को मैं अज्यूम कर लेता हूँ PQ, और O के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 3.1 है। मिड पॉइंट हो जाएगा 3 + P/2, 1 + Q/2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो जाएगा 14.82 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 में से 3 जाएगा तो P आ जाएगा 11, और 8 में से 1 जाएगा तो Q आ जाएगा 7। तो सर्किल की इक्वेशन कैसे निकलती थी, x माइनस a का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा x माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा y माइनस q का होल स्क्वायर, और रेडियस हमारा वही रहेगा 5। तो जनाब ये हो जाएगा x माइनस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। जनाब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी। वो कह रहे हैं द पॉइंट सी लाइज ऑन द कर्व एंड द टेंजेंट टू द कर्व एट सी इज पैरेलल टू ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो y की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देंगे लाइन की इक्वेशन में, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जाएगा 16/x + 2, ये जाएगा 8 - x। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 8 - x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 से, तो y की जगह पर हमने 8/x + 2 पुट किया, एंड देन सिंपलीफिकेशन हो रही हो जाएगा 8x + 16 - x² - 2x। 16 कैंसिल, जगह 6x - x², x कॉमन बचेगा x - 6, x कॉमन ले लें तो बचेगा 6 - x = 0। तो x की एक वैल्यू 0 आएगी और x की एक वैल्यू 6 आएगी। तो हमें जनाब ये वैल्यू और ये वैल्यू पता चल गई, x की जो भी वैल्यूज हैं तो हम y में पुट कर दें। तो जनाब y बराबर था 8/x + 2। जब मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट करूंगा तो हो जाएगा 8/0 + 2 y = 8/0 + 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और y = 8/6 + 2, तो y आ जाएगा 1।
बेसिकली ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0.4 और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6.1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने, बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सी के कोऑर्डिनेट्स रह गए। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सी पे ना एक टेंजेंट बनेगा जो के पैरेलल है ए बी के। तो जनाब अगर हम ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालना चाहें तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के लिए हमें कर्व को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के लिए हम पहले इसको ऊपर लेकर आएंगे और पावर हो जाएगी -1। तो गाइस पावर यहां पर नीचे उतरेगी, पावर में से हम एक माइनस करेंगे, तो ये हमारा ग्रेडियंट जो है वो इसके ग्रेडियंट के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल में ग्रेडियंट बराबर होते हैं। सो दिस विल बिकम 8/(x+2)2 एंड दिस इज 1/2, दिस विल बिकम 16, दिस बिकम्स x+2)2। रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा जो C कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव होता है। और जनाब अब मुझे Y निकालना है, तो मेरा जो Y है वो कैसे आएगा? Y बराबर है जनाब 8/(x+2)। इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा, हो जाएगा 8/(2+2)। तो Y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, इन दैट केस मेरे पास C कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2.2। जनाब अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं रोटेशन करूं अराउंड एक्स एक्सिस, रोटेशन करके वॉल्यूम बनता है, तो जनाब ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये 6 है, बेसिकली लाइन वाले वॉल्यूम में से कर्व वाला वॉल्यूम माइनस किया जाएगा। तो लेट से मेरा जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो आएगा V2-V1 करके। तो जनाब V1 जो है वो आएगा बाय इंटीग्रेटिंग पाई y square dx and the limit will be 0 and 6, and V2 भी आएगा pi y square dx and limit will be 0 and 6। बस फर्क कितना है, यहाँ y1 और यहाँ y2। तो y1 मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ y1 कह रहा हूँ कर्व को, और y2 कह रहा हूँ मैं लाइन पे। तो y2 जो है वो क्या है जनाब, -1/(2x+4)। तो जनाब y2 है मेरे पास -1/(2x+4) का होल स्क्वायर, पाई लिखेंगे हम बाहर, लिमिट है मेरे पास 6 और 0, और इसको इंटीग्रेट करना है लिमिट्स। और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास पाई बाहर लिखा जाएगा 0 और 6, और ये है जनाब 8/(x+2), और उस पे लगा हुआ है होल स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना वॉल्यूम के लिए। तो जनाब ये आंसर्स निकालने के बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हमारे पास
वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो आ रहा है 42 पाई। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर है ना करें। और इसका जो आंसर है वो आएगा 24 पाई। और हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस करने से आएगा 18 पाई। दैट इज अवर फाइनल आंसर।